के फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल हेल्दी उपमा, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट से बनाना बताया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सूजी उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप सूजी लें, इसे कढ़ाई में डालें और हम आधा से एक चम्मच यहाँ घी लेंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से हम भूनेंगे। ध्यान रखें, 4 से 5 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो जो सूजी की तली पर से ये हल्की सी रेडिश हो जाती है, उससे सूजी का जो उपमा होता है कलर भी अच्छा नहीं आता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। इस तरह से आप सूजी को सेक कर पहले से ही स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब मन चाहे तब आप इसका फटाफट से उपमा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह से आधा से एक किलो सूजी को भूनकर रख लेती हूँ और घी में सिकी हुई सूजी का बहुत ही अच्छा अरोमा आता है और साथ ही में इसमें स्मेल भी नहीं आती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रखेंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बड़ी कढ़ाई लें, उसमें 2 टेबलस्पून के करीब आप घी लें। घी या तेल आप जो चाहें तो वो ले सकते हैं, पर घी का बना हुआ उपमा बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। हमें दिन में 1 से 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। इसमें 1 चम्मच आप राई डाल लें, साथ ही में हम 1 टेबलस्पून इसमें उड़द दाल डाल देंगे। मुझे इसमें उड़द दाल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। साथ ही में हम 7 से 8 काजू को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया वह डाला और साथ ही में 1/4 कप में यहाँ पे मूंगफली डाल रही हूँ। डेली यूज़ में जब मैं यहाँ पर उपमा बनाती हूँ तो मैं काजू का यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं मूंगफली डालती हूँ। इसे हम यहाँ पर लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट में ये अच्छे से भुन जाते हैं। उसके बाद में हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर इसे अच्छे से पका लेंगे। कड़ी पत्ते का इसमें बहुत ही अच्छा अरोमा आता है, तो उपमा में आप कड़ी पत्ता ज़रूर डालें। ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और साथ ही हम यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप बड़ी काटें या फिर एक मिर्च में आप स्लिट कर लें, तब ताकि जब बन जाए तो उसे आप निकाल सकें, उसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। साथ ही में मैं यहाँ पे ये फ्रोज़न मटर ले रही हूँ, इन्हें अच्छे से डालकर हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप उपमा बनाएं इस तरह से गाजर और मटर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गाजर और मटर दोनों में हल्की सी मिठास होती है, उपमा बहुत कम लाइट मतलब सी ये तीखा नहीं होता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसके साथ में। इसमें 1 चम्मच नमक डालें, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम पानी को उबालेंगे तो उसमें गाजर हल्की सी पक जाती है। अब मैं यहाँ पर 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी लूँगी, तो आप इस मेज़रमेंट का ध्यान रखें। यदि एकदम परफेक्ट आपको उपमा चाहिए तो 1 कप सूजी के लिए आप 3 कप यहाँ पर इस तरह से पानी लें। ये मेरा जो ये कटोरी है, मैं रेगुलर इसी कटोरी के साइज़ से उपमा बनाती हूँ, तो उसी से मैं आप दिखा रही हूँ। ये 4 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट उपमा है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे कि पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। इस समय आप यहाँ पर फ्रेश धनिया डालें, साथ ही में 1 नींबू का रस आप यहाँ पर निचोड़ कर डाल दें। इस समय डालने से धनिया और जो नींबू का रस है अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि जब हम सूजी डाल देंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और उस समय ये सब तरफ अच्छे से नहीं मिक्स होता है। अब हम इसमें 1 हाथ से सूजी डालेंगे, जो हमने सूजी रोस्ट कर रखी थी उसे हाइट से डालें और 1 हाथ से आप हिलाते जाएं। ऐसा करने से जो उपमा है उसमें लम्स नहीं आते हैं। फ्लेम को लो पर ही रखें और कंटिन्यू इस तरह से हिलाते हुए आप सूजी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया उपमा बनकर आता है। अब फ्लेम को लो पर ही रखे रहने देंगे और इसे इसी तरह से कंटिन्यूस हिलाते जाएंगे। सूजी का उपमा बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। सूजी यदि आपने अच्छे से सेक ली है, पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो ये उपमा बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनता है। यकीन मानिए 7 से 8 मिनट में उपमा बनकर तैयार हो जाता है, यदि आपने सूजी पहले से सेक के रख रखी है। मैं 1 बर्तन पर पहले पानी बॉईल करने रख देती हूँ, दूसरी में सब्जियाँ इस तरह से छौंक लेती हूँ और उसके बाद में दोनों को मिक्स करके फटाफट से मेरा उपमा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम घर पर हेल्दी उपमा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और इसे आपको ब्रेकफास्ट में खाना ही चाहिए। तो अब इसे ढक कर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। 5 मिनट बाद में हम इसको खोल के देखेंगे। सूजी ने काफ़ी अच्छे से पानी पी लिया है। सूजी इस समय इस तरह से ढककर रखने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही मुंह में पिघलने वाला हमारा उपमा बनकर तैयार हो जाता है। और आज हमने इसको घी में बनाया है। मैं जब भी उपमा बनाती हूँ हमेशा घी में ही बनाती हूँ, उससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपने एक बार घी का बना उपमा खा लिया तो ऑयल का नहीं खाएंगे। अब जैसे मन चाहे तब इसे सर्व करें, चाहे तो आप बोल में इस तरह से इसे भरें और इसे डिमोल्ड करके एंजॉय करें या फिर इसे ऐसे ही खाएँ।
इस गर्मा गर्म उपमे को आप हरी चटनी या कोकोनट चटनी के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस तरह से देखिए मैंने इसे डिमोल्ड कर दिया है और हमारा झटपट से टेस्टी वेजिटेबल उपमा बनकर तैयार हो चुका है। देखते ही हो रहा है ना खाने का मन, कितना इजी है और झटपट हेल्दी नाश्ता हमने बना लिया है। तो इस तरह से घर की बने हुए हेल्दी नाश्ते खाएं और एंजॉय करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, और किस तरह की रेसिपीज़ आपको हमसे चाहिए हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू।